छतरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों ने जिला पंचायत के सामने सीईओ हिमांशु चंद्र के बैनर में जूते चप्पलों की माला पहनाकर जिला पंचायत के सामने सीईओ हिमांशु चंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाकर पुतला दहन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती अनुरागी ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत सीईओ द्वारा मुझ पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं इस अपमान से बहुत दुखी हूँ, जिससे हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने निर्णय लिया है कि आगामी 3 तारीख को सीएम कमलनाथ बिजावर आने वाले हैं, उनसे भी हम जिला पंचायत जीओ को हटाने को लेकर एक आवेदन देकर मांग करेंगे। साथ ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पटेरिया ने बताया कि अध्यक्ष ने कुछ दिनों पूर्व कुछ छात्रवासों का निरीक्षण किया था, जिनमें अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर हम सभी लोगों ने दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही करने के लिए सीओ को पत्र लिखा था, लेकिन महीने भर निकल जाने के बाद भी जब सीओ के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब हम सभी लोगों ने उनसे कहा कि कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो। तब उन्होंने तानाशाही जवाब देते हुए कहा कि जाओ, मुझे कोई कार्यवाही नहीं करना है और जिला पंचायत अध्यक्ष के अभद्र भाषा के साथ प्रयोग किया, जिसको लेकर हम सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य ने निर्णय लिया कि जिला पंचायत हिमांशु चंद्र को जब तक छतरपुर से नहीं हटाया जाएगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। क्यों किया? इसलिए किया कि ना कि कोई बात सुनते हैं और ना कोई काम के लिए कहते हैं जाओ, क्या कर लोगे, जाओ। आपके साथ किस तरीके की अभद्रता की थी उन्होंने? यही कही उन्होंने कि हमने कहा कि हमने हॉस्टल 4 हॉस्टल हमने निरीक्षण किया, तो हम निरीक्षण करके लाए, किसको देंगे, सीओ को तो देंगे। तो हमने सीओ से बोला कि सर कीजिए थोड़ा, तो कह रहे 8 दिन, फिर कह रहे 8 दिन, तो 15 दिन, फिर 1 माह हो गई ऐसी धीरे धीरे। तो हम कहाँ तक मतलब हम बर्दाश्त करेंगे, और कभी तो आपको करना पड़ेगा, कह रहे नहीं करेंगे जाओ। कलेक्टर साहब के चैम्बर में कलेक्टर साहब जी ने भी बोला है कि ऐसा नहीं कहना सर, हाँ मैडम हम करवाएंगे कि हम। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हमने धरना प्रदर्शन के साथ क्या किया? पुतला जलाया। अब धरना प्रदर्शन जारी है, जारी है। रहेगा ऐसी जारी। मामला जो हम लोगों के संज्ञान में आया है, 1.5 महीने पहले जब हमारे अध्यक्ष जी को निरीक्षण करने गए, तो निरीक्षण के संबंध में जो शिकायतें वहाँ मिली उसकी जांच के लिए सीओ साहब को लिखा गया पत्र। तो उस संबंध में जब सीओ साहब को पत्र देने के बाद उन्होंने कहा अध्यक्ष जी से कि आपको ये अधिकार ही नहीं है निरीक्षण करने का। हमारी अध्यक्ष जिला पंचायत जिले की प्रथम नागरिक होती है, राज्य मंत्री का दर्जा होता है, एक महिला अध्यक्ष हैं, एससी वर्ग से आती हैं, उनसे इस तरह की भाषा के आपको अधिकार ही नहीं है। ने ऐसी घटना घटित होने के बाद 24 तारीख को नियुक्ति समिति की बैठक थी जो कलेक्टर साहब के चैम्बर में चल रही थी, तो उसी को लेकर अध्यक्ष जी ने वार्तालाप अपनी बात कही कि सर वो हमारे कार्यों का क्या हुआ, ऐसा वो उसी में बहुत कम होने लगी। अब सब थोड़ा सा भाषा का प्रयोग किया, जो हमारे सम्माननीय सदस्यों को भी पता चला कि हमारे अध्यक्ष जी के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, सब ने उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, सीएम साहब से शिकायत, पुतला दहन आदि मांगे, और हम लोगों के साथ जो हम लोगों की निधि थी वो भी आज तक नहीं डाली है। कोई सदस्य मतलब जो हमारे सम्माननीय सदस्यगण हैं, सीओ से कोई बात कहने जाते हैं तो उन्हें बराबर सम्मान नहीं दिया जाता, उनसे बात नहीं करी जाती, उनसे बैठने के लिए नहीं। बहुत क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि सीओ साहब हमारे जिले से वापस जाएं। हम लोग ऐसे तानाशाह सीओ का रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम लोगों को जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग वहां जाएंगे, भोपाल सीएम साहब के यहां जहां जिस चीज का धरना देना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे।